पाएगा, जब अपना स्वार्थ विसारेगा, जब अपना धर्म पुकारेगा, हारेगा हर एक जेहादी जब चढ़कर हिंदू मारेगा। हम तुम्हारी छाती पर पांव रखकर तुम्हारा मान मर्दन करके तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिला देंगे। मुसलमानों की जनसंख्या किसी भी कीमत पर भारत में बढ़ने नहीं देंगे। हमें सीएम नहीं बनना है, पीएम नहीं बनना है, एमपी नहीं बनना है। हमें तो दाढ़ी टोपी वालों की जनसंख्या नियंत्रित करने वाला। दोस्तों, देश में मुसलमानों के खिलाफ जगह जगह मुस्लिम विरोधी धर्म संसद चलाई जा रही है और इस धर्म संसद में जी भर के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम किया जा रहा है और अब इससे देश की राजधानी दिल्ली भी महफूज नहीं रही। जी हां, दिल्ली में आए दिनों लगातार जिस तरीके से मुस्लिम विरोधी धर्म संसद चलाई गई है, उसको रोकने के बजाय इसको और बढ़ावा देने का काम दिल्ली में किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद ऐसी हेट्रेड पर लगाम लगाने को पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम है और इन लोगों को आसानी से परमिट मिल जाता है इनकी रैलियां करने का और यही इनके खिलाफ सड़कों पर उतरने का मुस्लिम ऐलान कर दे तो उन्हें हर तरीके से रोका जाता है, उनकी परमिशनों को कैंसिल किया जाता है। पर यहां खुल करके दिल्ली में नफरती संसद मुसलमानों के खिलाफ चलाई गई जिसमें ताल कटोरा स्टेडियम में प्रवीण तोगड़िया ने किस तरीके से जहर उगलने का काम किया, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। हम भागेंगे ना, डरेंगे ना, मरेंगे। हम तुम्हारी छाती पर पांव रखकर तुम्हारा मान मर्दन करके तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिला देंगे। मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा, कोई चाहेगा तो भी मंदिर बनेगा और नहीं चाहेगा तो उनकी छाती पर पांव रखकर मंदिर बनेगा। जिस संकल्प से हिंदू समाज ने मंदिर बना लिया, इसी संकल्प से हम भारत में सुरक्षित हिंदू बनाएंगे। मुसलमानों की जनसंख्या किसी भी कीमत पर भारत में बढ़ने नहीं देंगे। हमें सीएम नहीं बनना है, पीएम नहीं बनना है, एमपी नहीं बनना है। हमें तो दाढ़ी टोपी वालों की जनसंख्या नियंत्रित करने वाला भारत में राज सत्ता की ताकत खड़ी करनी है। एंटी लव जिहाद कानून बनवाना है, धारा 370 भी हटी है, राम मंदिर तो बन ही रहा है, समान नागरिक कानून बनाने की घंटनाद हो रहा है। हम विश्वास करते हैं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के पहले जनसंख्या नियंत्रण का कानून, समान नागरिक कानून और एंटी लव जिहाद कानून बनाए ऐसी सत्ता में बैठे हुए मेरे लंबे समय के साथियों से मेरा विश्वास है, जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनवाएंगे। मेरे साथ बोलो, हमारी मात जनसंख्या नियंत्रण कानून, मुसलमानों की जनसंख्या नियंत्रण करो, दो से ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले को सरकारी अनाज नहीं, सरकारी स्कूल और अस्पताल में सेवा नहीं, बैंकों से लोन नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, फिर भी कानून का भंग करते हैं तो 10 साल की जेल की सजा। बोलो, देश में दाढ़ी टोपी वालों की संख्या नियंत्रित हो जाएगी या नहीं?
आपने सुना प्रवीण तोगड़िया को जो ये साफ तौर पर कह रहा है कि मुसलमानों की छाती पे चढ़ करके उनकी जनसंख्या को रोकने का काम किया जाएगा। हमें पीएम नहीं बनना है, हमें सीएम नहीं बनना है, पर इन जिहादियों की छाती पर चढ़ करके हर कदम को हम लोग अंजाम देंगे और इनके मंसूबों को नाकाम करेंगे। और सिर्फ प्रवीण तोगड़िया ही नहीं, इस मंच पर नफरती महिला समीक्षा सिंह ने किस तरीके से नफरती ऐलान किया है, पहले उस वीडियो पर नजर डाली। जब अपना धर्म पुकारेगा, जब अपना स्वार्थ निसारेगा, जब अपना धर्म पुकारेगा, हारेगा हर एक जेहादी जब चढ़कर हिंदू मारेगा। अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, मिलकर श्री राम पुकारेंगे और छुपे हुए सब गद्दारों को पटक पटक कर मारेंगे। जब हम मानवता छोड़ेंगे, हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या मानवता है, दया है, करुणा है, जो किसी भी धर्मी पर भी आने लगती है। जब हम मानवता छोड़ेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे, जब हम मानवता छोड़ेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे, कोई एक गाल पर मारेगा तो दोनों बाजू तोड़ेंगे। हिंदुओं से यही कहती हूं कि वे लोग जहां भी हैं, जिस पद पर हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ एक है, गजवाए हिंद। हमारा भी उद्देश्य एक ही होना चाहिए, अखंड हिंदू राष्ट्र। लव जिहाद की इतनी घटनाएं हो रही हैं, अपनी बेटियों को सिर्फ एक संदेश देती हूं कि घूम रहे हैं ताक लगाए जीगढ़ लामड़ झुंडों में, घूम रहे हैं ताक लगाए जीगढ़ लामड़ झुंडों में, और चाह रहे हैं भारत माता बट जाए फिर खंडों में, घूम रहे हैं ताक लगाए गीदड़ लोमड़ झुंडों में, और चाह रहे हैं भारत माता बच जाए फिर खन्नों में। छुपे हुए सब सांप निकालो, अपना राष्ट्र खंड करो, उठो बेटियों आग लगा दो सब जिहादी गुंडों में। शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन खिलाती हूँ। सबको पता था कि वहां पर शिवलिंग है, उसके बाद भी वहीं पर वजू किया जा रहा था, तो शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन खिलाती हो। जब शिवलिंग को कौम जिहादी फव्वारा बतलाती हो, शिवलिंग को कौम जिहादी फव्वारा बतलाती हो। हर ढांचे के नीचे जब खंड तपने भगवान मिले, हर ढांचे के नीचे जब खंड तपने भगवान मिले, तब बोलो मक्कारों से हम क्यों बनकर इंसान मिले। और तीर बनूंगी गद्दारों को, सारे जिसमें तथ्य लिखूंगी, भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य। अपने सुना समीक्षा सिंह को, जो खुले तौर पर एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ भड़का रही है और नरसंहार का ऐलान करवा रही है, और बस जंग होने ही वाली है, हम सबको तैयार रहना चाहिए। यह नफरती भाषण ये दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में लगे और पुलिस प्रशासन इनको अनुमति देता है पर इन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता। और नफरती धर्म संसद की हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।